नाउ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या होता है? नाउ पहले तो जो तुमने सीखा है वो टी शेप सीखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अच्छा, ये इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं या टी शेप भी बोलते हैं, बट ये एनालिसिस में इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे, ठीक है? जैसे ड्राइंग रूम में यू कैन से कि डाइनिंग टेबल होगा या सोफा सेट होगा, ठीक है ना? एक तुम उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हो जिससे क्लैरिटी बढ़े। तो हम ये जो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल रूप में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो तुम ये देखोगे, ये सेल्स है, टेक्निकल भाषा में ये 4,24,000 को ग्रॉस सेल्स बोलते हैं, इसको नेट सेल्स बोलते हैं, और ये ग्रॉस प्रॉफिट। टेक्निकली 1, 2, 3, 4 ये तुम्हारा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो आई कैन से सेल्स, ठीक है, सेल्स दिस वन माइनस, ये इसको मैं सर्कल कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, शॉर्ट में सीओजीएस बोलते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? तो तुम्हारा जो सेल्स है माइनस जीपी या सॉरी माइनस सीओजीएस विल गिव यू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट, या जीपी हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं। अभी ये जो COGS है, इसको मैं क्लियर स्क्रीन करके बताऊंगा। जो COGS है वो दो प्रकार से निकाला जाता है। आई कैन से ये देखो, ये COGS है, बराबर है? सो सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू जीपी, और आई कैन ऑल्सो से सेल्स माइनस जीपी इज COGS। एक फॉर्मूला है, सेल्स माइनस जीपी को सीओजीएस बोलते हैं, लेकिन जब हम ये प्रेजेंट करते हैं कौन सा वर्टिकल स्टेटमेंट में, यहां पे सेल्स लेस सीओजीएस आए। और एक और तरीका है जो मैं तुमको बताऊंगा। मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में क्या क्या आएगा। ओपनिंग स्टॉक, फिर मैं चाहता हूं सिर्फ जीपी छोड़ दो, डेबिट में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट क्या आएगा, उसके नेक्स्ट क्या आएगा? नेट परचेस कर दो, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेस, फिर क्या आएगा? वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी एंड सो। सो ये जो ओपनिंग स्टॉक है, एक सेकंड में इसको मैं देख लूं क्या हुआ है। ओके, पेन वापिस से एक बार लगा देता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं तुम डेबिट के मुझे बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेज, मैं आउटर कॉलम की बात कर रहा हूं, प्लस डायरेक्ट वेजेस ऑफ कोर्स, प्लस बहुत सारा कैरेज इनवर्ड एंड सो ऑन, ये सबको प्लस करना है, और क्रेडिट साइड का बस क्लोजिंग स्टॉक तुमको माइनस करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने प्रकार से मिलता है? दो, एक सेल्स माइनस जीपी और एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक, बोथ वेज में यू गेट द सीओजीएस। अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने तुमको बताया उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, तुम पैरेलल लिख भी सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द इनकम जो पार्ट है। सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स। कोई भी एनालिसिस में वी ऑलवेज टेक द नेट सेल्स। ग्रॉस सेल और नेट सेल में फर्क क्या है वो अभी बता देता हूं तुमको। ये तुम्हारा 424 ग्रॉस सेल है, ये 420 नेट सेल्स है, ठीक है? सो ये तुम्हारा सेल्स हुआ, ये कौन सा था? ऑलवेज द नेट सेल्स, ऑलवेज द नेट सेल्स। अच्छा, हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्यों फॉर्म हम बनाते हैं?
हमारा उद्देश्य क्या रहता है, जीपी निकाल, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो पहले सबसे पहला लेवल क्या रहेगा अपना, सेल्स लेस सेल रिटर्न विल गिव यू व्हाट, नेट सेल्स। तो तुम यहां पे सेल्स के बजाय इसको ग्रॉस सेल्स कर दो तो ये और क्लियर दिखेगा। अब ये ग्रॉस सेल क्या है तुमको मैं इसके थ्रू बता देता हूं, ये 424 ग्रॉस सेल है, ये 420 नेट सेल्स है, ठीक है। सो नेट सेल क्लियर हुआ, पहला लेवल पार हुआ सबका। अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, हमको क्या चाहिए रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सो नेट सेल्स से लेस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो प्रकार से आए, सेल्स माइनस जीपी और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। लेकिन जो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में तुम सेल्स माइनस जीपी नहीं करोगे क्योंकि तुमने नेट सेल लेस सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया है, तो तुम्हारा जीपी इधर किधर आएगा ना, ये सेल्स माइनस ये किया है तो जीपी इधर आएगा। तो तुम सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जो मैंने बताया था, कौन सा था, ओपनिंग स्टॉक। प्लस अभी सबसे पहले ट्रेडिंग डेबिट मैंने क्या बोला, इमेजिन करने तुमको ओपनिंग स्टॉक लिखो, तुम ये पैरेलल सॉल्व करो, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, तुमको एमबीए बीबीए बीबीएम दुनिया भर में तुमको ये कॉन्सेप्ट रहेगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर क्या आएगा, नेट परचेजेस, एड परचेजेस, मतलब मैं जब भी परचेज बोलू या सेल बोलू इट इज ऑलवेज द नेट पार्ट, ठीक है। फिर उसमें क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, तुमको तीन चार ही दिया हुआ, ज्यादा नहीं दिया रहेगा क्योंकि फिर वो फाइनल अकाउंट बन जाएगा, एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने सिर्फ इतना एज्यूम किया, इसमें तुम चाहो तो कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, फ्रेट, रेलवे फ्रेट, बहुत सारे जीएसटी, बहुत सारी चीजें तुम ऐड कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के सारे डेबिट एक्सेप्ट द जीपी वो हमने दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम्हारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड समझ में आया कैसे आया, हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये तुम्हारा क्या होगा, क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सो सेल्स माइनस सीओजीएस विल बी व्हाट, जीपी। आया सबका इतना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल गिव यू व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी। ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हुआ, अब तुम कहां पे एंटर करोगे, पीएनएल, जीपी। डेबिट साइड के जो खर्चे हैं इसको दो भाग में बांटा जाए, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तुम्हारा डे टू डे खर्चा क्या है, रिचार्ज, तुम्हारा पेट्रोल पेट्रोल, बुक्स, मेरे को ज्यादा स्टेशनरी, आदित्य स्टेशनरी आपके लिए अभ्यास करें सर, और क्या, टेलीग्राम पोस्टन, टेलीग्राम, इन शॉर्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आई कैन डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो डे टू डे नहीं है बट होते हैं। अब हमारा बैटरी ले लो, इसका बैटरी थोड़ा दिक्कत दे रहा था, एचपी वालों को बोला, उन्होंने कोटेशन भेजा 10,000 रुपए का बैटरी। मैंने बोला मेरे को ई व्हीकल का बैटरी नहीं, लैपटॉप का बैटरी चाहिए, उन्होंने लैपटॉप का ही कोट कर रहे हैं, मतलब सोना वोना ऐड कर रहे क्या उसमें तुम लोग। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये वन टाइम का कॉस्ट, आ रहा समझ में। सो नॉन ऑपरेटिंग में क्या हुआ, सडन लॉस बाय फायर हो गया, या सडन कुछ मशीनरी में डिफेक्ट आ गया, नॉन ऑपरेटिंग। सो जो डेबिट है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, इधर ले लो, किराना शॉप है उसके लिए किराना बेचना इज ऑपरेटिंग इनकम, बट डिविडेंड रिसीव्ड इज इट ऑपरेटिंग, इट इज नॉन ऑपरेटिंग। सो हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे जीपी के आगे बढ़ेंगे, नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने लिख दिया, इधर क्या है, जीपी है, जीपी में हम क्या करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा, ये चारों ऑपरेटिंग में।
अलग अलग नाम से आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिस रेंट होगा, सेलिंग में तुम्हारा एडवर्टीजमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस होगा, फैक्ट्री में वर्कर का इनडायरेक्ट वेजेस होगा, ठीक है ना। तो तुमको ऐसे डायरेक्ट भी नाम आ सकते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ। तो जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन तुम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड चेक करोगे, भाई लॉस बाय फायर भी तो दिख रहा है, बट वो ऑपरेटिंग नहीं है क्योंकि डे टू डे नहीं है, सडनली आया है। सो व्हाट वी डू, अभी क्रेडिट साइड में आते हैं। तुमने डिविडेंड, भाई ये तो किराना शॉप डिविडेंड के लिए तो काम नहीं करता, किराना बेचने के लिए काम करता है। उसने शेयर्स बेचा कमाया, जमीन बेचा कमाया, ये ऑपरेटिंग है? नहीं। लैंड डेवलपर के लिए वो ऑपरेटिंग इनकम है क्योंकि जमीन बेचना उसका काम है, बट किराना वाले के लिए डिविडेंड मिलना ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होगा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है ना, मशीनरी ब्रेकडाउन। वैसे मेंटेनेंस तो इसमें आएगा, लेकिन पूरा मशीनरी में दिक्कत हुआ तो उसको तुम नॉन ऑपरेटिंग में डालोगे, और जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। वापिस से एक बार हम रिवाइज करेंगे, ये भी बता दो, लेस टैक्स दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। यहां तक सबका लिख के हो गया? यदि नहीं तो मैं रुकता हूं और फिर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन वापिस देंगे। हो गया सबका लिख के? वापिस से मैं एक शॉर्ट रिविजन लूंगा। मैं चाहता हूं तुम इमेजिन क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स, क्रेडिट साइड सेल्स, ऑलवेज क्या लोगे? नेट सेल्स। फिर क्या आएगा? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। और फिर उसमें लेस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचेगा? सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी पीएनएल में आओगे, पीएनएल में क्रेडिट साइड में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ये माइनस करोगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करोगे जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल गिव यू व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब वापस से क्रेडिट में आओ पीएनएल के, हो सकता है डिविडेंड हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हो सकता है कैपिटल गेन हो कुछ, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया। अब डेबिट साइड आओ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये नॉन रेगुलर चीजें हैं, उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इस पर टैक्स लगेगा, और जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आया सबको समझने? सो ये जो इनकम स्टेटमेंट को हमने वर्टिकल ग्रुप में कन्वर्ट किया है, जो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था वो टी फॉर्म में सीखा था, बस उसको दोनों के कान मरोड़ के हमने वर्टिकल स्टेटमेंट बना दिया और भाग नाम दे दिया। जो डेबिट था ट्रेडिंग का सीओजीएस बोल दिया, पीएनएल का जो डेबिट था एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पीएनएल क्रेडिट तुम्हारा जो था ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसा कर दिया बस इतना, और फिर टैक्स माइनस कर। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।